देखने में हल्की, काम में कारगर और दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक। हिंदुस्तान की सेना को ऐसे हथियारों से लैस किया जा रहा है जो दुश्मनों को देखते ही देखते खाक में मिला दे। इन हथियारों से जवानों के बोझ को न सिर्फ कम करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि लंबे चलने वाले ऑपरेशन को सुरक्षित और कारगर बनाने की नई रणनीति पर अमल किया जा रहा है। किसी भी ऑपरेशन में जवानों की हिफाजत और दुश्मनों के काल के लिए उनके हथियार ही उनके साथी होते हैं। इन हथियारों का बोझ जवानों के लिए जंगल, पहाड़ और मुश्किल रास्तों पर आसान नहीं होता। जवानों की इन्हीं चुनौतियों को कम करने के लिए अब हिंदुस्तान ने तकनीक और अपने दमखम पर बनाने की तैयारी कर ली है। रूस में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल का देसी वर्जन, जिसे हिंदुस्तान अब खुद तैयार करने जा रहा है। ऐसी लाखों राइफल उत्तर प्रदेश के अमेठी में अगले 10 सालों के अंदर तैयार होंगी। इसके लिए भारत रूस से राइफल, उसके पार्ट्स और टेक्नोलॉजी आयात करेगा। हालांकि अमेठी में फैक्ट्री लगाने के 2.5 साल बाद ये राइफल मिलने लगेंगी। सेना के जवानों के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल अचूक हथियार साबित होने वाली है। भारतीय सेना के लिए इसके कई फायदे हैं। फिलहाल AK-203 असॉल्ट राइफल भारत और रूस मिलकर बनाएंगे। ये AK सीरीज की सबसे आधुनिक और घातक राइफल है। अमेठी में इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसे बनाएगी। इस राइफल के बनाने के बाद ये इंसास राइफल की जगह लेगी। भारतीय सेना को 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल की जरूरत है। वहीं भारत और रूस के बीच हुए समझौते के मुताबिक भारत रूस से 70,000 से लेकर 1 लाख तक राइफल मंगाएगा। इसके साथ ही राइफल्स के पार्ट्स मंगाए जाएंगे। यही नहीं, इनकी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 6,50,000 राइफल बनाई जाएंगी। भविष्य में हथियारों की जरूरत के मद्देनजर इस सौदे को किफायती माना जा रहा है। वहीं अगर AK-203 असॉल्ट राइफल खूबियों की अगर बात करें तो AK-203 असॉल्ट राइफल इंसास की तुलना में छोटी, हल्की और घातक है। इसका वजन बिना मैगजीन और बोयनेट के 3.8 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 705 मिलीमीटर है। इसमें 7.69x39mm की बुलेट लगने के चलते ये खतरनाक बन जाती है और इसकी रेंज 800 मीटर है। इंसास राइफल के मुकाबले कई खूबियों से लैस AK-203 असॉल्ट राइफल जवानों के लिए हल्की होने की वजह से ढोने में आसान होगी और उन्हें थकान का एहसास भी नहीं होगा, जबकि ज्यादा रेंज होने से दुश्मन से मुकाबला करने का जोखिम भी कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।